आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि लेट कोस अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन 25x² + 5x - 12 = 0, देन -1 लेस देन x लेस देन 0, देन द वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर अल्फा इज। तो मेरा यहाँ पर क्या दे रखा है कि इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि जो कोस अल्फा है वो उसका रूट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मेरी जो इक्वेशन दी है, गिवन इक्वेशन इज वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 25x² प्लस ऑफ कितना 5x माइनस कितना 12 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू दे रखी है -1 लेस देन एक्स लेस देन कितना 0, ये वाली यहाँ से कंडीशन दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अब मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि वी नो डैट मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानता हूँ कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू कितना 0। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, वो आ जाती है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन यहाँ पे कितना आ जाता है 2a। तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, बट जबकि यहाँ पे cos अल्फा इसका रूट दे रखा है तो हम cos अल्फा इक्वल टू लेकर चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो यहाँ पर b की वैल्यू होगी वो 5 होगी, a की वैल्यू 25 होगी और c की वैल्यू -12 होगी। तो 100 यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा मुझे cos अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, cos अल्फा इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा b² और b² कितना होगा 25 मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना 25 इंटू 12, ये मुझे यहाँ से मिल गया। और अपॉन में मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 2 इंटू कितना 25। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं cos अल्फा इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे जब मैं इसको पूरे को कैलकुलेट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 1200 कितना 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपॉन 50, 25 दूनी 50, ये मुझे यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया cos अल्फा इक्वल टू माइनस का 50 प्लस माइनस, इसको हम कितने का स्क्वायर लिख सकते हैं, 35 का स्क्वायर लिख सकते हैं और अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। स्क्वायर से मेरा क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आएगा 35 अपॉन यहाँ पे कितना 50, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लेकर चलता हूँ, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलता हूँ, टेकिंग पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू लेकर चला तो जो मेरी cos अल्फा की वैल्यू वो कितनी आएगी, 30 अपॉन कितना 50, तो 30 अपॉन 50 तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 3/5 ये मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पर टेकिंग नेगेटिव लेकर चलता हूँ, टेकिंग नेगेटिव, तो नेगेटिव रखने पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगा cos अल्फा इक्वल टू माइनस का 40 अपॉन कितना 50, ये मिलेगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4/5। लेकिन जो यहाँ पर इसने x की वैल्यू बोली है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से 0 के बीच में ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो क्या है, नेगेटिव है। तो इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। कितना कर देंगे, हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। और यहाँ से तो हैंस, तो जो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी कि cos अल्फा इक्वल टू कितना 3/5, ये मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई। अब मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर अल्फा की। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा वो कितना आएगा, हैंस, अब यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब मैं यहाँ, अब मेरी cos अल्फा की वैल्यू दे रखी है, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला जानता हूँ कि वी नो डैट यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं, हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर जो मेरा साइन स्क्वायर अल्फा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 - cos² अल्फा के। तो 1 - यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, 3/5 का होल स्क्वायर, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 - कितना आएगा, 9/25 और 25 में से यहाँ पे 9 चले गए तो कितना बचेगा, 16। तो 16 यहाँ पे कितना आ गया, 25। तो यहाँ पर जो मुझे साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 16/25 मिली है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंदर अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।